बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बिलाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल प्रोग्रामर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के लेक्चर नंबर 18 में पढ़ेंगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग, कि हमारे पास पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, हम लोगों ने इसको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ा, तो इस वजह से आज हम लोग इसको जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग बेसिकली होती क्या है। पेनिट्रेशन हैकिंग जो होती है, सॉरी टेस्टिंग जो होती है, वो बेसिकली वाइट हैकर्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं कि कोई वर्नरेबिलिटी मिल जाए सिस्टम में, ऑर्गेनाइजेशन में, और उसकी रिपोर्ट्स को वो जनरेट करते हैं, और रिपोर्ट्स को जनरेट करने के बाद जो है वो काउंटर मेजर्स अगेंस्ट दीज वर्नरेबिलिटीज। यानी कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग ये होती है कि किसी सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन को स्टेप बाय स्टेप उनको स्कैन करते हैं, चेक करते हैं कि इसके अंदर कोई वर्नरेबिलिटीज तो नहीं है। वर्नरेबिलिटीज क्या होती है, वर्नरेबिलिटीज होती है वीकनेस, कोई इसके अंदर वीकनेस तो नहीं है किसी जगह पर कि कहाँ कहीं से अटैकर्स आके अटैक ना कर दे या हमारा डाटा जो है वो लीक ना कर ले। पेनिट्रेशन टेस्टिंग ये होती है। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग की किसी सिस्टम या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजर चीज़ उसका डाटा है, उसकी सिक्योरिटी है, उसकी हिफाजत है। हमारे पास भी इसका यही है कि इसका जो मेन रीज़न है ना, मेन रीज़न जो है ना बिहाइंड द पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज द सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए ही सब कुछ किया जाता है कि हम लोग सिक्योर रहें ताकि हमारी चीज़ें चोरी ना हो, हमारी जितनी भी एसेट्स वगैरह अगर हैं, हमारी टेक्नोलॉजी वगैरह या हमारी कुछ चीज़ें हैं जो कंपनीज के अंदर जो कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं उनकी प्लानिंग, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, उनके प्रोसेसर्स, उनकी प्रोसेसिंग, जो भी चीज़ें वो सिक्योर हो ताकि कोई दूसरी कंपनी ना गेन कर सके, ताकि उसके मुकाबले में आए। या आपकी अदर्स सिक्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, कोई आपकी गूगल ड्राइव पर कुछ चीज़ें पड़ी हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो वो सारी की सारी क्या है, सिक्योरिटी में आपको यकीन होना चाहिए। इस वजह से हम लोग जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करवाते हैं, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस हमारे पास इसकी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी हमें लाजमी चाहिए ताकि इससे हमें ये हो जाएगा कि हमारी वल्नरेबिलिटी कौन सी और हम लोग उसको सेट कर सकें। इसके कुछ फेसेस होते हैं, तो फेसेस के लिए मैं आपको बता दूं एक बात कि मे भी कुछ डिफरेंट फेसेस भी आप लोगों ने देखे हों। अब डिफरेंट फेसेस जो है डिफरेंट जगह पर क्यों हो सकते हैं, आपने मेन चीज़ ये याद रखनी है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है कि किसी भी सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं, फाइंड करते हैं वर्नरेबिलिटी को। अब फेसेस से मुराद ये होता है कि अब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास जो है वो लो लेवल पर है, उसके लिए जो उसको टेस्ट करने के लिए फेसेस चाहिए होंगे वो चाहिए होंगे फॉर एग्जाम्पल टू। अब कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, कोई बहुत बड़ा सिस्टम आ जाए, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोगों को स्कैन करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए हमें कुछ फेसेस चाहिए होंगे, फॉर एग्जांपल 3 चाहिए होंगे, 5 चाहिए होंगे, 8 चाहिए होंगे, तो फेसेस क्या होंगे इंक्रीज हो जाएंगे। तो मोस्टली जो है लोग इस चीज़ में परेशान होते हैं कि इसके फेसेस हम लोगों ने डिफरेंट वेबसाइट पर देखे मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट पर देखे मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो किसी पार्टिकुलर वेबसाइट्स के बारे में ही बताते हैं कि वेबसाइट या वेबसाइट से मुराद के हर वेबसाइट वाले पार्टिकुलर चीज़ के बारे में बताते हैं कि अगर मोबाइल में पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी इसके लिए कौन से टूल्स, कौन से फेस यूज़ होंगे, अगर किसी कंप्यूटर पीसी के लिए यूज़ करना है तो उसके लिए कौन से फेस और कौन सी जो है फेसेस जो है वो यूज़ होंगे। इस वजह से ये फेसेस में भी डिफरेंट हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके फेसेस में जो हमारे पास है उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, यानी कि हम लोगों ने इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है। जो हम लोग सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन की पेनिट्रेशन कर रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से आईपी एड्रेसेस वर्क कर रहे हैं, कौन से मैक एड्रेस हैं, कौन सी डोमेन डिटेल्स है, कौन सा बिजनेस है, कितने कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, कितनी आपके पास वायरस हैं, कौन सा राउटर है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल गेट करनी है। जब हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी सारी, हम लोगों ने इंफॉर्मेशन जो गेट कर ली, फिर हम लोगों ने क्या करना है कि वन बाय वन उन चीज़ों को स्कैन करना है। जो भी होगा स्कैन करने से हम लोगों को जो है वल्नरेबिलिटी फाइंड होगी, क्यों हम लोगों ने चेक करनी है, क्योंकि इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी पैदा तो नहीं है सिस्टम के अंदर। तो उसके बाद हमारे पास एक्सप्लोइटेशन होगी, ये वो एरिया होता है, ये वो चीज़ होती है जहां पर एक्चुअल में डैमेज इज डन, जहां पर हमारे पास जो है चीज़ें डैमेज होगी,
यानी कि हमारे पास एक सिस्टम है, इसके अंदर हमारे पास अब जो है यहाँ पर वर्नरेबिलिटी फाइंड है। तो हम लोगों ने क्या किया, इन्फॉर्मेशन गैदर कैट की थी, फिर इसको स्कैन किया। स्कैन करने के बाद हम लोगों को आइडिया हो गया कि भाई यहाँ से आपकी जो चीज़ है वो डैमेज है, वो होती है एक्सप्लोइटेशन। फिर हमारे पास होता है रिस्क एनालिसिस। फिर हम लोग क्या करते हैं कि ये तो हम लोगों को पता चल गया कि हमारे पास एक थ्रेड था, फिर हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारे पास रिस्क को एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास जो रिस्क आया हमें कितना आया रिस्क। यानी कि अगर हमारे सिस्टम के अंदर से कोई डाटा जो है वो स्टील हुआ, कि चोरी हुआ, वो कितना डाटा चोरी हुआ। अगर हम लोग ये कह सकते हैं कि एक शॉप थी, रात के टाइम जो है ताला जो आपने लगाया वो वीक था ताला, तो ताला किसी ने तोड़कर आपके मोबाइलों की शॉप में गए, तो उसने कुछ मोबाइल जो है वो चोरी कर लिए। तो आप फिर क्या करेंगे कि रिस्क एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से मोबाइल जो है वो स्टील हुए हैं, चोरी हुए हैं, और कितने वो एक्सपेंसिव थे। वो रिस्क सारा पर एनालिसिस कर लेंगे कि लो लेवल पे आपका नुकसान हुआ या हाई लेवल पे आपका नुकसान हुआ। फिर उसके बाद आप लोग जो है सबकी जो है रिपोर्ट जनरेट करते हैं, जो आप लोग जो है रिपोर्ट को जनरेट करते हैं कि ये हमारे पास जो मोबाइल जो है वो चोरी हो चुके हैं, ये हमारे पास रिस्क था, ये इसकी वीकनेस थी, इस वजह से आया। तो ये इस तरह की हम लोगों ने स्कैनिंग की थी और हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन थी। सारे के सारे ऊपर वाले जो फेसेस हैं वो जनरेट रिपोर्ट में हम लोग बना देंगे। ये होते हैं इसके कुछ फेसेस। उसके बाद इसके कुछ टूल्स होते हैं, टूल्स फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग। टूल्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो हमारे पास टूल जो है वो है एन मैप, यानी कि नेटवर्क मैपर होता है हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास होता है मेटास्प्लॉइट, वायर शॉक और ओपन एस एस एल। हम लोग इन सब टूल्स को भी अगर फर्दर आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज का ये लेक्चर था छोटा सा, मिनिमम सा, आसान सा टॉपिक पेनिट्रेशन टेस्टिंग का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह इथिकल हैकिंग पढ़ेंगे कि इथिकल हैकिंग क्या होती है हमारे पास। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।